स्टूडेंट फोनी आंसर की इस पहली लॉन्ग वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो देखो भाइयों, पहले के समय में जब किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था तब वो उस क्वेश्चन को खाली ही छोड़ देता था। लेकिन आजकल के बच्चे इतने बड़े बैक बेंचर हो गए हैं कि वो किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ते बल्कि उसमें लिखते हैं फनी आंसर। जैसे कि आदि मानव की जिंदगी कैसी होती थी, आंसर एकदम मस्त। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसने गांधी जी की ही बजा डाली। बिकॉज जब इससे पूछा गया बापू का पूरा नाम क्या था, वह जेल क्यों गए थे, तो इसने आजादी वाले बापू की जगह आसाराम बापू के बारे में लिख दिया कि बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था, वह कार के जुर्म में जेल गए थे। और तो और टीचर ने इसे फुल मार्क्स भी दे दिए। भाई अगर इस टाइम पर गांधी जी जिंदा होते ना तो इस बच्चे और टीचर को एक ही बात बोलते, तुम दोनों की। और अगर ऐसे ही बच्चों से पूछ लिया जाए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है तो बताए ये क्या लिखेंगे, भूपेंद्र जोगी। मतलब ये बच्चे सोचते हैं कि टीचर तो लुल्लू है, उन्हें क्या ही पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद पता है ये बच्चे क्या करेंगे। आलो, ले लो। नेक्स्ट देखो यार, तुमने अपने स्कूल में वो बच्चे तो देखे होंगे जो अपने टीचर की लड़की के ऊपर ही लाइन मारने लग जाते हैं। जैसे कि ये लड़का जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आया मरकरी और विनस में से कौन सबसे ज्यादा हॉट है, तो इसने बिना किसी शर्मिंदगी के लिखा, सर जी आपकी छोटी वाली लड़की। अबे भाई कहाँ से आते हैं ये लोग। खैर ये तो रही बात लवर्स की, लेकिन जियान के सामने नोबिता मुंह खोल सकता है क्या, और फनी आंसर लिखने के मामले में बैक बेंचर्स के सामने कोई खोल सकता है क्या। बिकॉज जब एक बैक बेंचर्स से कहा गया फीस माफ करने हेतु अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, तो इस लड़के ने अपने टीचर को ही ब्लैकमेल करते हुए लिखा, सब विनयम निवेदन है कि मेरे पापा ने मुझे 500 रुपए दिए जिनमें से मैंने 250 रुपए का फ्री फायर में टॉप अप करा लिया और बाकी 250 अंग्रेजी वाली मैम से शर्त आ गया कि उनका चक्कर सिर्फ मैथ्स वाले सर से चल रहा है लेकिन उनका चक्कर तो आपसे भी चल रहा है। तो आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो करो मेरी फीस माफ या मैं करूँ आपका और मैम का पर्दाफाश। अबे भाई ये बंदे इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से, क्योंकि एक बार मैंने भी ऐसे एग्जाम में फनी आंसर लिखा था। माँ कसम उस दिन टीचर और घर वालों ने मुझे इतना सूता कि मैं पलंग पे सूता ही रह गया। नेक्स्ट देखो ऐसा ही होता है जब बच्चे कुछ ज्यादा ही गाने सुनने लग जाएं। बिकॉज जब इस म्यूजिक लवर बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाउ विल यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, मीन्स तुम धरती का टेम्परेचर कैसे मापोगे, तो भाई साहब इस बंदे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कॉपी में एक नोरा फतेह जैसी लड़की बनाकर लिख दिया, हाय गर्मी। और जब ऐसे ही एक बच्चे से पूछा, सजेस्ट वन केस ऑफ डिफोरेस्टेशन, मीन्स पेड़ों के कम होने का एक कारण बताइए, तो इसने बड़े स्वैग से लिखा, दिस पेपर। मतलब बच्चा भी लाइक, एग्जाम पेपर बनाना बंद कर दो, पेड़ अपने आप ही बच जाएंगे। और यारो तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है स्मार्ट बच्चा जिसे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, व्हाट इज ब्लड एंड इट्स अ टाइप, आंसर ब्लड इज अ लिक्विड। और ज्यादा जानकारी के लिए www.sciencebiology.com पे जाए। नेक्स्ट जब एक खूब खाने वाले मोटे बच्चे से पूछा, नेम एनी टू सोर्स ऑफ फूड, आंसर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बिल्कुल सही है, बट इसने अपने मन से 2 पॉइंट्स और ऐड कर दिए, जोमेटो एंड स्विगी, क्योंकि खाना तो वहीं से मंगाएगा ना। ये तो कुछ नहीं, बिकॉज जब इसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा ये कौन सा फ्लावर है, तो इसने लिखा रोज, लेकिन जब इसे नीचे वाले फ्लावर का नाम पूछा तो पता है इसने लोटस की जगह क्या लिखा, बीजेपी। भाई शायद ये लड़का मोदी जी का बिग फैन होगा। नेक्स्ट देखो, तुम इस बच्चे के आंसर को देखने के बाद ये समझ जाओगे कि मैथ्स कितना खौफनाक सब्जेक्ट है। बिकॉज जब ये लड़का मैथ्स का एक लॉन्ग सम सॉल्व कर रहा था तब इसने पहली दूसरी तीसरी और चौथी स्टेप तक तो ये सम बिल्कुल सही करा, लेकिन पांचवी स्टेप में इस बच्चे का सम और दिमाग दोनों खराब हो गया और इसने पंखे की जगह एक रूट बनाया और उस पर रस्सी लटका कर खत्म, गुड बाय गया। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी कल मैं अब्सेंट था क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था यहाँ पे। क्या जोक मारा भाई। और देखो भाइयों, तुम्हारे साथ कभी ना कभी स्कूल में ऐसा हुआ होगा कि टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिखा और बोल दिया, जल्दी जल्दी नोट करो वरना मैं 2 मिनट में बोर्ड रफ करने वाली हूँ, तो इस बच्चे ने ऐसे ही अपनी मैम की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और इतना जल्दी लिखा कि आंसर के साथ साथ अपनी मैम को भी कॉपी में बना दिया। ये देखने के बाद नासा वाले इस बच्चे को बरमुंडा ट्रायंगल अवार्ड देने के लिए ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्यशाली का मतलब क्या होता है, आंसर जिसके भाग्य में हो साली वो है भाग्यशाली। मतलब लॉजिक देख रहे हो, लॉजिक। और जब एक ऐसे लॉजिकल बच्चे से पूछा, सच्चा मित्र किसे कहते हैं, तो इसने अपने दिल की गहराइयों से लिखा, सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी गालियाँ सुनता है और आपकी सेटिंग कराने में आपकी सहायता करता है, वो आपकी क्रश को भाभी भाभी बोलता है, जो आपके घर वालों की नजरों में गिरा रहता है, कुल मिलाकर सच्चा मित्र बेटे समान होता है। भाई लगता है इसने टीचर को भी इमोशनल कर दिया, तभी तो इसे 10 of top 10 marks मिले हैं। नेक्स्ट और फाइनली, जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था, इतिहास के top 3 सबसे ज्यादा फनी आंसर, जिसमें से number 3 पे है ये बच्चा जिससे पूछा गया, प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, उसके कारण लिखिए, उत्तर गाड़ियों से निकलने वाला गंदा धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, और प्रदूषित हवा कम हो तभी प्रदूषण से बचा जा सकता है। लेकिन अब तुम कहोगे कि सुमित इसमें क्या ही फनी है, बच्चे ने बिल्कुल सही तो लिखा है, तो चलो इसे थोड़ा आगे पढ़ के देखते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, चाहे ले लो खुदा की कसम, हर घड़ी आरजू है तुम्हारी। अरे भाई मतलब बच्चा भी लाइक, क्या पता अंग्रेजी वाली मैम चेक कर रही हो कॉपी। और number 2 पे है क्रिएटिव बच्चा जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आए,
रवि रिवर कौन से स्टेट में बहती है? आंसर, लिक्विड स्टेट में। डाइवोर्स होने का मेन कारण क्या है? शादी। हम एग्जाम क्यों देते हैं? फेल होने के लिए। भाई इसके सेवेज रिप्लाई देखकर टीचर ने इसे A+ क्रिएटिविटी भी दे दिए, मतलब। और फाइनली नंबर वन पे पेश है तुम्हारे सामने एक ऐसा लड़का जिसके कारनामे के लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाए तो वो भी कम है। तो देखो, हम सबको बताया कि बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले टीचर को एक कॉपी चेक करने के सिर्फ 20 से 30 रुपए मिलते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पप्पू द बैग वेंचर ने अपनी एग्जाम कॉपी के लास्ट पेज पे 500 का नोट चिपका दिया।